हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं? आज हम लोग डिस्काउंट का पांचवा पार्ट पढ़ेंगे। अब पांचवे पार्ट में कुछ क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं जो जाना पहचाना आपको होगा, और आप बहुत बार सारे एग्जाम में आप क्वेश्चन को देखते होंगे इस तरह का, जो मैंने बोर्ड पर मैंने लिखने का काम किया। तो वैसे क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर लाया, बोर्ड पर लिखा, जो आपको जाना पहचाना है, ठीक है ना। और उस क्वेश्चन को बिना समय गंवाए हुए, बिना समय को बर्बाद किए हुए क्वेश्चन को कैसे मुझे बनाना है, क्या उसका कंसेप्ट है, क्या बेसिक कंसेप्ट है, ऐसे कंसेप्ट के लिए मैंने चार वीडियो बना रखा हूँ मैं। और उस वहाँ पे मैंने बहुत विशेष रूप से मैंने चर्चा भी किया, मैंने कंसेप्ट के बारे में भी मैंने जिक्र किया भाई उसका क्या तरीका है, किस तरह से बनाएंगे, किस तरह से क्या लिखेंगे, कहाँ पे क्या करेंगे, इस सारी बात के बारे में मैंने मेंशन किया, ठीक है ना। उसी तरह से ठीक पाँचवें वीडियो में मैं डिस्काउंट का मैं पार्ट में बता रहा हूँ, जो मतलब है कि आपका जाना पहचाना क्वेश्चन होगा, लेकिन इस क्वेश्चन में आप जो टाइम टेकन ज़्यादा करते हैं, उस क्वेश्चन को बिल्कुल आसान कैसे करना है, इन सारी बातों पर हम लोग विशेष रूप से चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं हम लोग। एक व्यापारी अपनी वस्तुओं के मूल्य को इस प्रकार अंकित करता है कि नगद भुगतान करने वालों को 10% की छूट देने पर भी उसे 15% का लाभ मिलता है। यदि वह स्वयं वस्तुओं को 720 रुपये में खरीदता हो तो उस वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करा। सपोज करते हैं, सपोज क्या करना है, यहाँ पे दिया हुआ है, सीपी दिया हुआ है। जैसे कि मैंने किसी वस्तु को मैंने परचेज किया कितना में, 720 रुपये में, बिल्कुल सही है। ये मैंने परचेज नहीं किया, जैसे मैंने कि मैं किसी वस्तु को खरीद लिया और उस वस्तु पर मुझे लाभ भी कमाना है, तो ग्राहक को हम कितने प्रतिशत का छूट दें, यानी 10% का छूट दें हम ग्राहक को। अगर माने कि मैं दुकानदार हूँ, मैं किसी वस्तु को मैंने खरीद लिया, खरीदने के बाद में मैं उस वस्तु को बेचना चाहता हूँ, ऐसे तो मैं बेच नहीं दूंगा, बिना लाभ के तो मैं बेचूंगा, बिजनेस मैं किया हूँ तो जाहिर सी बात है कि मैं जिस वस्तु को मैं बेचूंगा उस पर मैं लाभ कमाऊंगा। लेकिन मुझे वहाँ पे उस वस्तु पर मुझे छूट भी देना है, और छूट देने के बाद में मुझे लाभ कमाना है। मतलब है, सपोज करते हैं कि मुझे मार्केट प्राइस निकालना है, तो 720 रुपये में मैंने जो परचेज किया उस पर मैं लाभ कमा रहा हूँ कितना परसेंट, 20%, यानी इसमें लिखा हुआ है 15%, सॉरी यहाँ पे 15% का लाभ मैं कमाना चाहता हूँ, 15% का लाभ कमाना चाहता हूँ। तो 15% का मतलब होता है 115/100, उसका मार्केट प्राइस मैं क्या रखूँ, कोई भी मार्केट प्राइस 100% है, जिससे उस वस्तु पर मुझे 10% का छूट देने के बाद, 10% का छूट देने के बाद में फिर भी 15% का लाभ। 00 से 00 9 8 72 करेंगे, 8 5 40 के जीरो कर देंगे, और 11 8 88 88 4 92, यानी 920 रुपया इसका हो जाएगा। क्या, कौन सा प्राइस, ये हो जाएगा मार्केट प्राइस। कि कोई भी मार्केट प्राइस होता है वो अपने आप में 100% होता है। मैंने मार्केट प्राइस निकाला, इस खरीद मूल्य है, खरीद मूल्य पर मैंने लाभ कमाया, मार्केट प्राइस क्या रखेंगे 100%, उस पर कितने परसेंट का छूट देंगे 10%, यानी 90% होगा इसके बराबर, इसलिए 100% किसके बराबर होगा, 1 लाइन में आपका आंसर निकल लगा। इनकेस मार्केट प्राइस दिया रहेगा तो कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं, अगर सेलिंग प्राइस दिया गया है तो उसे मार्केट प्राइस निकाल सकते हैं बहुत आसानी से, अगर सेलिंग प्राइस दिया हुआ है तो उससे मुझे कॉस्ट प्राइस भी हम लोग निकाल सकते हैं। ये तो हम लोग जिक्र किए ही थे कि इसमें प्रॉफिट लॉस में, तो यहाँ पे परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप समझ गए होंगे पहला क्वेश्चन को, पहला क्वेश्चन क्या कहता है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलते हैं दूसरा क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा बट्टा श्रेणी किसी ग्राहक के लिए लाभदायक होगा। जैसे कि पहला बट्टा श्रेणी भी दिया हुआ है, दूसरा बट्टा श्रेणी भी दिया हुआ है, तीसरा बट्टा श्रेणी भी दिया हुआ है। कहने का मतलब है कि यहाँ पे जैसे कि मानते हैं कि मैं कस्टमर हूँ, मैं एक ग्राहक हूँ, आप दुकानदार हैं, तो दुकानदार कहता है कि किसी ग्राहक के लिए, मतलब मेरे लिए, कि मैं आपको पहले 15% डिस्काउंट दूंगा, फिर 10% दूंगा, फिर 5% दूंगा। दूसरे व्यक्ति के लिए कहता है दुकानदार, वही दुकानदार, कि दूसरे व्यक्ति के लिए, मेरे लिए तो हो चुका, दूसरे व्यक्ति के लिए 10% डिस्काउंट दूंगा, 12% डिस्काउंट दूंगा और 8% डिस्काउंट दूंगा। तीसरे ग्राहक के लिए कहा जाता है कि 14% डिस्काउंट दूंगा, 10% डिस्काउंट दूंगा और 6% डिस्काउंट दूंगा। तो किस ग्राहक के लिए बेटर होगा, किस ग्राहक के लिए ये डिस्काउंट बेटर होगा,
अगर बोल चाल की भाषा में देखा जाए तो यहाँ पे हम कह सकते हैं 15, 10, 25, 5, 30, 12, 10, 22, 8, 30, 14, 10, 24, 36, 37, 38 सब 30, 30 आ गया। लेकिन यहाँ पे सिंगल डिस्काउंट निकालना हो, मतलब सपोज करते हैं कि एक के लिए दूसरा क्वेश्चन का अगर सिंगल डिस्काउंट निकालना हो, सिंगल डिस्काउंट पहला के लिए, तो सिंगल डिस्काउंट निकालने के लिए जैसे कि 15% है, फिर 10% है, फिर 5% है, इसका सिंगल डिस्काउंट निकालेंगे तो 15 + 10 - 15 × 10/100 कर देंगे, कट गया, डेढ़ का मतलब है 23% का डिस्काउंट हुआ। फिर क्या करेंगे, 23% + 5 - 23 × 5/100, ये कैलकुलेशन फास्ट करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा सिंगल डिस्काउंट के रूप में होगा, जो भी होगा लिखा निकालना पड़ेगा। तो पहले के लिए निकालना पड़ा, फिर दूसरे के लिए निकालना पड़ेगा, फिर तीसरे के लिए निकालना पड़ेगा, तब मुझे देखना पड़ेगा सबसे बेस्ट डिस्काउंट कौन सा है। तो यहाँ पे टाइम टेकन ज़्यादा होता है, तीन फिगर दिया हुआ है, तीन फिगर, पहला फिगर, दूसरा, पहले ग्राहक के लिए, दूसरे ग्राहक के लिए, तीसरे ग्राहक के लिए, सारे के सारे क्या दिया हुआ है, ये सब डिस्काउंट दिया हुआ है। तो मुझे बिना कलम कॉपी के इस्तेमाल करते हुए मुझे कैसे इसको डिसाइड करना है कि भाई इसका आंसर यही होगा। इसके लिए मुझे एक रूल में बता रहा हूँ, कॉन्सेप्ट में बता रहा हूँ, थोड़ा आप ध्यान से देखेंगे बहुत आसानी से निकाल लेंगे। अगर इस तरह से आप बनाएंगे तो बाबू बहुत ज़्यादा समय लगेगा, इसलिए मेरा मानना है कि जब भी इस तरह के केसेज हो तो हम लोग करेंगे क्या, सबसे बढ़िया तरीका है इसका, सबसे बेटर तरीका है, इस तरह से एग्जाम में पूछे जाते हैं बहुत बार, हर एग्जाम में, बैंकिंग के एग्जाम में भी दिया रहता है कि पहले से फॉलो करेंगे कि सेकंड से फॉलो करेंगे, थर्ड से फॉलो करेंगे, कि पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा है कि पहला तीसरा है कि दूसरा तीसरा है, मतलब इस तरह के केसेज रहता है बैंक में, SEC में, है ना, इस तरह के केसेज रहता है। तो वैसी स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जब भी ये डिस्काउंट की चर्चा करें तो हम लोग क्या करेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में डालेंगे, डिसेंडिंग मतलब घटते क्रम में, घटते क्रम में नहीं रहेगा, जैसे कि ये दिया हुआ है 1, 2, 3 डिस्काउंट दिया हुआ है, तीन डिस्काउंट में देखेंगे पहला दूसरा सबसे बड़ा डिस्काउंट, सबसे ज़्यादा डिस्काउंट दे रहा है पहले दूसरा, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में, या पहला दूसरा की बात करें, जैसे कि सबसे ज़्यादा है उससे कम, सबसे ज़्यादा ही है, प्रतिशत लिखना चाहिए, सॉरी, सबसे ज़्यादा उससे कम, तो पहले दो डिस्काउंट आना गया, पहले ही दो डिस्काउंट हुआ ना बड़ा, ये पहले दो डिस्काउंट बड़ा हुआ ना, ये पहले दो डिस्काउंट बड़ा हुआ ना, तो इन दोनों का सम देखेंगे 25 है, इन दोनों का सम 22 है, इन दोनों का सम 24 है, ये 24 है, ये 22 है, ये 25 है, सबसे ज़्यादा है। अगर तीनों का सम बराबर हो, उसमें भी पहले दो बड़े डिस्काउंट का सम ज़्यादा हो, सब बराबर है, 30, 30, 30 है सारे फिगर में, सबसे बड़े दो का सम 25, सबसे दो बड़े का सम 22, सबसे दो बड़े सम का 24, तो 24 है, 22 है, यहाँ 25 है, तो सबसे बड़ा हुआ तो सबसे बेटर डिस्काउंट होगा, लाभदायक जो होगा वो पहला होगा, कौन सा होगा, पहला इसका आंसर होगा लाभदायक। क्यों, वो दोनों का डिस्काउंट का सम 25 है, उन दोनों का डिस्काउंट का सम 22 है, इन दोनों डिस्काउंट का सम 24 है, तो 25 22 24 में हम क्या डिसाइड करेंगे कि सबसे बेटर कौन सा होगा, 25 वाला होगा। तो वहाँ पे ये देखना पड़ेगा कि सब यदि सारे फिगर का सम करने पर अगर बराबर हो रहा है, उसमें डिसेंडिंग ऑर्डर से दो सबसे बड़े का सम अगर ज़्यादा शो करता है जिस डिस्काउंट में ना, वो सबसे द बेस्ट डिस्काउंट होगा, कब, जब सारे फिगर का मान बराबर हो तब। अब मुझे पूरा विश्वास हो चुका है कि आपको ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा, बिना कलम कॉपी के इस्तेमाल करते हुए आप आसानी से निकाल सकते हैं। हम लोग चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ, क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पर रेडियो लिखना चाहिए, चलिए, एक रेडियो का अंकित मूल 2400 रुपया है और यह नगद 10, 5/10, 3/15, n/20 शर्तों पर बेचा जा रहा है, यदि रुपये का भुगतान मैं 15वें दिन करूँ तो मुझे कितना रुपया छूट मिलेगी, छूट कहता है मतलब डिस्काउंट। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को बनाने का तरीका मैं बता रहा हूँ, मैं रेडियो का भुगतान जो मैं कर रहा हूँ वो मैं 15वें दिन कर रहा हूँ, 15वें दिन का मतलब है मेंशन करने का मतलब होता है कि बाई वन करेंगे, अच्छा 10 और 5/10 और 3/15 और n/20 ये सब मैं पहले जब डिस्काउंट पहले दिन का जो डिस्काउंट मैं टॉपिक में पढ़ा रहा था उसमें मैंने मेंशन किया था इसके बारे में, इसका मतलब बाबू समझ जाएंगे कि ये हुआ प्रतिशत डिस्काउंट,
ये प्रतिशत डिस्काउंट हुआ, और ये हुआ डेज। कोई व्यक्ति पहले दिन डिस्काउंट करेगा तो उसको 10% का छूट मिलेगा, कोई व्यक्ति दूसरे दिन से लेकर के 10वें दिन तक करेगा तो 5% छूट मिलेगा, कोई व्यक्ति 11वें दिन से 15वें दिन तक करेगा तो 3% छूट देगा। मतलब ऊपर की बात जो मीटर है वो छूट के बारे में शो कर रहा है, नीचे दिन दिया हुआ है। तो यहाँ 15वें दिन की बात कर रहा है, तो 15वें दिन में कौन सा आएगा, तो 15वें दिन का मतलब 3%। इसका मतलब है कि कितना का, 2400 रुपये का, तो 2400 रुपये का 3% निकाल देंगे तो 24 कितना हो गया, 72 रुपया हो जाएगा। 72 रुपये का क्या मिलेगा, उसको डिस्काउंट मिलेगा। तो सबसे पहले तो मुझे ये चीज़ देखना पड़ेगा कि अगर मानते हैं कि हम कोई सामान खरीदते हैं, हम उधार मतलब सपोज करते हैं कि हम नगद नहीं खरीद रहे हैं, उधार लेना है 2 महीना 3 महीना 4 महीना, और दुकानदार भी जानता है कि ये जो मुझे पैसा देगा वो लेट से पैसा देगा, वो जल्दी नहीं देगा, तो हम मेरा हिसाब किताब उसी के अकॉर्डिंग होगा। जब लेट से देगा तो लेट से ही मेरा हिसाब किताब रहेगा, उसके साथ रहेगा, लेन देन होगा उसके ही अकॉर्डिंग होगा, मतलब उसके अकॉर्डिंग टू मैं उससे पैसा मैं लूँगा। मतलब मेरा पूँजी तो उसके लिए 2-3 महीना के लिए मेरा पूँजी उसके यहाँ तक फंस गया, तो भाई फंस गया तो मेरा तो, अगर हम इस तरह से अगर 25-30-50-100 अगर कस्टमर इस तरह से मिल जाए तो मेरा दुकानदारी तो चौपट हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि भाई पूँजी को निकालने के लिए हम उससे उस वस्तु पर जो जिन्होंने जो नगद खरीदा उससे कहीं ज़्यादा दामों पर मैं उससे मैं सेल करूँगा, तब भाई मेरा बिजनेस चल सकता है, अन्यथा चौपट हो जाएगा। मतलब ये कहने का मतलब है कि अगर कोई पहले दिन भुगतान करेगा उसको ज़्यादा छूट मिल रहा है, अगर दूसरे दिन से लेकर के अगर 10वें दिन तक भुगतान करता है तो उसको 5%, अगर 11वें दिन से 15वें दिन तक करेगा तो 3%। ये सिलसिला जारी रहा, मतलब इस तरह का केसेज आ जाएगा, मतलब पहले आओ पहले पाओ वाला कहानी इसमें आ गया, ठीक है ना। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं, एक व्यापारी 72,000 रुपये में एक कपड़ा नगद 10, वही चीज़ आ गया, यानी कि यहाँ पे कहता है 10, 5/12, फिर 3/20, फिर कहता है 1/25। 10 को हम यहाँ लिखेंगे 10, तो 1/2 कर सकते हैं। ये हुआ प्रतिशत डिस्काउंट, और ये दिया हुआ है डेज। अगर कोई ग्राहक पहले दिन अगर पे करता है तो उसको 10% का छूट मिलेगा, अगर पहले दिन नहीं करता है या दूसरे दिन से 12वें दिन तक करेगा तो 5% छूट मिलेगा, अगर 13वें दिन से 20वें दिन तक करते हैं तो 3% का छूट मिलेगा। मतलब ये केस कहता है, लेकिन कहता है कि एक व्यापारी 72,000 रुपये का कपड़ा नगद इतना बट्टे के शर्तों पर खरीदता है, वह बिल का भुगतान 14वें दिन करता है। 14वें दिन का मतलब होता है कि पहले दिन करेगा तो 10%, दूसरे दिन से लेकर के 12वें दिन तक करेगा तो 5%, अगर 11वें दिन 13वें दिन से 12वें दिन तक तो 5% होगा, 13वें दिन से 20वें दिन तक, 13वें से 20वें के बीच में यानी 3%, तो 14वें कहाँ से आएगा, 13वें और 20वें के बीच में आएगा, उसको छूट मिलेगा। डिस्काउंट प्रतिशत डिस्काउंट की बात करें तो डिस्काउंट उसको मिलेगा 3%। इसका मतलब स्पष्ट होता है कि हम लोग क्या करेंगे, 72,000 रुपये का, तो यहाँ पे डिस्काउंट मैं लिखूंगा, यहाँ पे क्या लिखूंगा, डिस्काउंट 72,000 रुपये का कै परसेंट, 3% मैं निकाल लूँगा, तो कितना रुपया हो जाएगा, 72,216,2160। तो CP कितना होगा, मतलब है कि जो सामान मैं यहाँ पे 72,000 रुपये दिया हुआ है, अब मुझे 3% का डिस्काउंट मिला, मैं 14वें दिन का भुगतान करूँगा तो 3% छूट मिलेगा, तो छूट की राशि कितना हुआ, 2160 रुपये। तो मैं परचेज कितना में करूँगा, तो मैं परचेज करूँगा इसमें से घटाएंगे, 00 में से 060 घटाएंगे तो 40 हो जाएगा, 40, ठीक है ना। ये 9 में से घटा देंगे, 9 में से ये घटाएंगे तो 8, और ये हो जाएगा 9, और ये होगा 6, इतना रुपया हो जाएगा इसका CP। अगर मुझे कहता है कि यहाँ पे कहता है यदि वह सभी कपड़ों को 20% लाभ कमाना चाहे, 20% का लाभ कमाना चाहे, तो उसका कपड़ा का अंकित मूल्य क्या निश्चित करेगा कि उसे 10% का छूट देने के बाद भी 20% का लाभ हो। तो मतलब है मुझे निकालना है मार्केट प्राइस, तो जब भी मैं मार्केट प्राइस निकालूंगा तो मेरा यहाँ पे जो दिया हुआ है, जो मैंने खरीदा 69,840 रुपये में, मैंने एक बार जैसे पहले क्वेश्चन के दौरान मैंने बताया था, जो 69,840 रुपये में खरीदा था उस पर मुझे 20% का लाभ कमाऊंगा मैं, तो 120/100 कर देंगे।
क्या हम अंकित मूल्य निश्चित करें, मतलब 100% निश्चित करें, जो कि 10% का छूट देने के बाद भी उसे 20% का लाभ हो। तो जाहिर सी बात है, ये कट जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल करेंगे, 9 सत्य 63 कितना हो गया, 9 सत्य 63 का मतलब कितना बचेगा बताइए तो, 6 पर 8, फिर 9 सत्य 63 हो जाएगा, फिर कितना लिखेंगे, 5 9 6 54, मतलब ये हुआ 776 बार में। अब मुझे 12 से गुना करना है, तो एक जीरो मैं डाल दूंगा क्योंकि ऑलरेडी जीरो है, 12 6 72 के मैं 2 लिख दूंगा, कैरी कितना होगा 7, 12 7 84 7 84 7 91 के 1 मैं लिख दूंगा, कैरी कितना होगा 9 12 7 84 9 93, मतलब ये हो जाएगा इतना रुपया क्या हो जाएगा, इसका मार्केट प्राइस निकल लगा, इसका मार्केट प्राइस निकल लगा। अब कोई भी मार्केट प्राइस होता है वो अपने आप में 100% होता है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गया। चौथे क्वेश्चन के लिए मैंने यहाँ पे मैंने बताया कि चौथे क्वेश्चन को कैसे बनाना है, और यहाँ पे मेन मकसद था कि इस क्वेश्चन को मुझे कैसे ड्राइव करना है, क्या समझना है, इसका बेसिक कंसेप्ट क्या है, इन सारे बिंदुओं पर मैंने विशेष रूप से चर्चा किया। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा, और आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखने का काम करेंगे, और जिस तरह के आपके साथ परेशानी हो तो उस तरह से आप कॉमेंट करने का काम करेंगे, ठीक है ना। अगर क्वेश्चन में भी इनकेस बाई चांस आपको प्रॉब्लम होता है तो ज़रूर आप क्वेश्चन भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है। अब मुझे पूरा विश्वास है कि आपको समझ में आ गया होगा, और नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट का जो मिक्स क्वेश्चन आता है, जो एडवांस लेवल में जो क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, उस पर एक बार हम लोग विशेष रूप से चर्चा कर लेंगे, ठीक। मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।